हाँ जी बेटा, 12th क्लास, वेलकम अगेन जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करते करते बेटा इसके लास्ट टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन पर आ चुके हैं। आज ही स्टार्ट कराएंगे म्यूचुअल इंडक्शन, एंड होते होते हम क्लोज कर देंगे बेटा। तो लास्ट टॉपिक अपना जो चल रहा था, दैट वाज सेल्फ इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो चल ही रहा है, इसमें अपना प्रीवियस टॉपिक था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ मतलब अपने आप, कि एक कॉइल थी अपने पास, अब इसमें खुद की ही फ्लक्स में चेंज होने के कारण खुद के ही करंट को अपोज करने के लिए, खुद के करंट में होने वाले किसी भी चेंज को अपोज करने के लिए एक ईएमएफ डेवलप होती है। सब कुछ अपने आप ही होता है, फ्लक्स भी अपनी, जो ईएमएफ जनरेट हुई है वो भी खुद ही की। तो यहां पे क्या कंसेप्ट आया था भाई, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, यहां पे बात थी सेल्फ मतलब अपने आप। अब वर्ड आ रहा है अगला टॉपिक, आप हेडिंग डाल लो आज की हेडिंग बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन आपकी। तो यार यहां पे वर्ड सेल्फ इंडक्शन में सेल्फ आता है, यहां पे अब म्यूचुअल वर्ड आ रहा है। म्यूचुअल का मतलब आपसी, कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपसी अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल कॉपरेशन मतलब आपस में कॉपरेशन। अब यहां पे क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन यानी आपस में इंडक्शन। अब वर्ड अगर म्यूचुअल आ गया तो कम से कम दो कॉइल्स का होना तो जरूरी है ना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भाई, दो तो कम से कम लोग होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने लोग चाहिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, खुद की खुद के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये तो कोई बात बनेगी नहीं। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन में वर्ड म्यूचुअल आ गया तो कम से कम दो कॉइल तो होंगी होंगी। तो मान लेते हैं अपने पास दो कोई कॉइल्स हैं, ठीक है जी, ये होगी कॉइल वन। अच्छा, एक को प्राइमरी एक को सेकेंडरी भी बोल सकते हैं हम फिलहाल, इसको कॉइल वन और दूसरी वाली को कॉइल टू बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा गैप के साथ बना देते हैं, ये वाली होगी कॉइल वन, आप प्राइमरी बोलो जो मर्जी बोलो, इट इज कॉइल वन, और भाई ये हो गई कॉइल टू। ओके जी, ये कॉइल वन है और ये वाली कॉइल टू है। अब सिचुएशन क्या है समझो, सिचुएशन ये है कि इसमें हमने करंट पास करवा दिया, फर्स्ट कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है। अब सेकंड वाली फर्स्ट के पास ही पड़ी हुई है, मान लो उसमें कोई करंट वगैरह फ्लो नहीं हो रहा, इसके अक्रॉस मैंने क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। अब पॉइंट इज, फर्स्ट कॉइल है उसमें से करंट है, करंट के कारण उसका अपना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, कॉइल वन का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसके आसपास इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फैलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फैलेंगी तो इसके आसपास इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स होगी। फिर से सुन लो भैया, कॉइल है, करंट भी है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फ्लक्स आएगी। तो भाई अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता ही है कुछ ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इसके चारों तरफ फैलती हैं, भाई फैलेंगी ही। अब करंट किसका, इसका है, फील्ड भी किसका, इसका, लेकिन इसके कारण जो नेबरिंग कॉइल है उसमें से क्या जाने लग गई, फील्ड लाइंस जाने लग गई। अब नेबरिंग कॉइल में से फील्ड लाइंस जाने लग गई तो इसके थ्रू क्या आ गई, कुछ ना कुछ फ्लक्स आ गई। अब ये जो फ्लक्स है किसके कारण है, फर्स्ट के करंट के कारण है। फ्लक्स किसकी है, कॉइल
सेकेंड की। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? फर्स्ट कॉयल प्रोड्यूस कर रही है। तो भाई एक कॉयल है, उसके पास अगर एक वैसे एक दूसरी कॉयल रख दोगे, पहले वाली में करंट पास कर दोगे, तो उसके पास पड़ी हुई कॉयल के बीच में से फील्ड लाइन गुजरेंगी गुजरेंगी, क्योंकि एक तरह से वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है। अगर इसमें से फील्ड लाइन आ गई तो इसकी कुछ ना कुछ फ्लक्स आ गई। अब अगली बात सुनना, अब अगर मैं इसके कॉयल वन के करंट में, कॉयल वन का करंट चलो आई वन मान लेते हैं बेटा, इसके करंट में कुछ वेरिएशंस क्रिएट करूं, वेरिएशंस मतलब करंट को कम ज्यादा करूं। कम ज्यादा कैसे कर सकता हूं? यहां पे रजिस्टर लगा लेता हूं वेरिएबल, वेरिएबल रजिस्टर को वेरी कर उसके आर की वैल्यू को वेरी कर मैं करंट में वेरिएशंस क्रिएट कर सकता हूं। अब करंट में अगर मैं वेरिएशंस क्रिएट करूं, ओके, इसके फर्स्ट के बेटा जी करंट में वेरिएशंस क्रिएट करूंगा तो फील्ड में वेरिएशंस हो जाएंगी, फील्ड में वेरिएशंस हो जाएंगी तो फील्ड लाइंस में वेरिएशन हो जाएंगी, फील्ड लाइंस में वेरिएशन हो गई तो सेकंड के थ्रू जो फ्लक्स आ रही है ना, फ्लक्स, उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा? चेंज होना शुरू हो जाएगा। भाई इसमें इसके फ्लक्स में चेंज हुआ तो इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी और इसकी सुई हिलने लग जाएगी, यानी कि गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन देने लग जाएगा। फिर से सुन लो पूरी स्टोरी। ये एक कॉयल है पास में पड़ी हुई है, करंट में वेरिएशंस हम पहली कॉयल में क्रिएट करते हैं लेकिन ईएमएफ दूसरी वाली कॉयल में जनरेट होती है। अब यही है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल मतलब आपसी इंटरेक्शन के कारण सेकेंड कॉयल में क्या हो गई? ईएमएफ इंड्यूस हो गई। करंट किसमें चेंज कराया? फर्स्ट में। सेल्फ इंडक्शन में क्या था? खुद के ही करंट में चेंज होने के कारण खुद में ही एक ईएमएफ जनरेट हो रही थी जो चेंज को अपोज करती थी। यहां पर क्या हुआ? नेबरिंग कॉयल में करंट में वेरिएशन के कारण उसके नेबरिंग कॉयल में एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, करंट इंड्यूस होता है। भैया आपस का तालमेल है ये, इसलिए इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, इट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अगर उल्टा कर देते, उल्टा कॉयल टू के करंट में वेरिएशन, इसमें मान लो बैटरी लगा देते तो कॉयल टू के करंट में वेरिएशंस क्रिएट करते तो कॉयल वन में ईएमएफ जनरेट होती, या कह लो करंट जनरेट होता, क्योंकि कॉयल वन दूसरे के पास पड़ी हुई है। इसके करंट में चेंज करोगे तो इसकी फ्लक्स में चेंज होगा, इसके करंट में चेंज करोगे तो इसकी फ्लक्स में चेंज होगा, यानी पहले के कारण दूसरे में, दूसरे के कारण पहले में। अगर दोनों कॉयल पास पास पड़ी हुई है, करंट की वेरिएशंस करने से दूसरी वाली कॉयल में ईएमएफ जनरेट हो सकती है, करंट जनरेट हो सकता है, करंट इंड्यूस हो सकता है। इसी कंसेप्ट को हम क्या कह रहे हैं? द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अगर दोनों कॉयल्स में मैं करंट फ्लो करवा दूं, मान लो ये है कॉयल वन एयर, ठीक है जी, और ये है कॉयल टू, दोनों को हमने एक दूसरे के नेबरहुड में रखा पास पास। अब इसमें से हमने कुछ क्या कराया? करंट पास करवाया, यार इसमें से भी करवा दिया, दोनों में से करंट पास करवा दिया, दोनों के करंट वेरिएबल रखे कि साथ में आर लगा दिए, रियोस्टेट लगा दिए या वेरिएबल रजिस्टर लगा दिए, जिससे हम करंट में रेशियस क्रिएट कर सकें। पॉइंट ये है, ये कॉइल वन है, ये कॉइल टू है। अगर भाई फर्स्ट के करंट में वेरिएशंस क्रिएट करेगा तो इसके करंट में वेरिएशन क्रिएट करने से इसकी जो फील्ड लाइन इसमें से पास कर रही है उनमें वेरिएशन हो जाएगी, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी जो कि इसमें होने वाले चेंज को अपोज करेगी, कुछ उसका नेचर ऐसा होगा।
इसमें वेरिएशंस क्रिएट करोगे, करंट में, इसके करंट के वेरिएशंस क्रिएट करोगे, तो फर्स्ट वाले में ईएमएफ जनरेट होगी जो सेकेंड में होने वाले करंट की वेरिएशंस को अपोज करेगा। यार इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। आप लिख सकते हो कि म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेना, लिख लो, इट इज द म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेना अकॉर्डिंग टू विच एन ईएमएफ इज, इट इज द फिनोमेना अकॉर्डिंग टू विच एन ईएमएफ इज जनरेटेड इन ए कॉइल ड्यू टू वेरिएशंस ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। करंट में वेरिएशंस अगर नेबरिंग कॉइल में हो तो किसी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ईएमएफ इज जनरेटेड इन ए कॉइल, इन ए कॉइल ड्यू टू वेरिएशंस ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। अब हमने नाम किसी का नहीं लिया, C1 में करंट की वेरिएशंस होंगी तो C2 में ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। भाई C2 में करंट की वेरिएशंस क्रिएट होंगी तो C1 में ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। तो ये है जी आपका कंसेप्ट किसका, म्यूचुअल इंडक्शन का। आप थोड़ा सा इसी बात को मैथमेटिकली ले लेते हैं भाई, इसी पॉइंट को मैथमेटिकली ले लेते हैं कि अब इसमें से निकल कर और बात क्या आती है। जैसे पिछली बार हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन नाम का एक कंसेप्ट आ गया था, यहां पर अब आ जाएगा म्यूचुअल, है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन नाम का कंसेप्ट आ जाएगा। वहां कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आ रहा था बेटा जी, यहां पे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ध्यान देना, मान लो फिर वही बात, यह है कॉइल वन। अब कई बार बना देंगे ताकि आप लोगों को भी बनानी आ जाए। यह है जी कॉइल वन, C1, ओके। हमने इसमें ठीक है वेरिएबल करंट का सिस्टम लगा रखा है, करंट वेरी कर सकते हैं इसका। यह है कॉइल टू, इसमें भी चलो करंट का कुछ वेरी करने का हमने सिस्टम लगा लिया। एक कॉइल C1 है, दूसरी कॉइल C2 है, वन इज C1, अनदर इज C2। ध्यान से सुनना भाई, अब पॉइंट ये है कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। हमने म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन में भी यही लगाया था कि जो फ्लक्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब ध्यान से सुनना, यहां पे थोड़ा सा फर्क डालेंगे। मैंने यहां पे लिखा फ्लक्स इन सेकंड्स ड्यू टू फर्स्ट। अब यहां पे नाम देना पड़ेगा ना, करंट में वेरिएशन पहले की है लेकिन फ्लक्स तो दूसरी की होगी ना, क्योंकि इसके कारण इसमें ईएमएफ जनरेट होनी है, तो इसकी फ्लक्स चेक करनी पड़ेगी। जब इसमें ईएमएफ जनरेट करवानी है तो इसकी करंट होगा और फ्लक्स इसकी होगी, तो जिसकी ईएमएफ चेक कर रहे हो फ्लक्स तो उसकी उसकी फ्लक्स में चेंज आएंगे, लेकिन किसके कारण आएंगे, अदर वाले के करंट के कारण। तो यहां पे ध्यान से सुनना, ये क्या है, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल टू ड्यू टू करंट ऑफ कॉइल वन। फ्लक्स किसकी, सेकंड की, किसके कारण, फर्स्ट के करंट के कारण बेटा। तो ये क्या लिखा मैंने, इट इज फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ, बेटा ये C2 है ड्यू टू करंट इन C1 है, तो दिस इज फ्लक्स लिंक्ड विथ C2 यानी कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन 1। तो यहां पर आएगा
वन, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फ्लक्स सेकेंड की, करंट किसका, फर्स्ट का चलेगा। या अगर इसकी बात कर रहा होता इसके कारण इसमें, तो वहां पे आप लिख सकते हो फ्लक्स लिंक्ड विद वन ड्यू टू सेकेंड, तो ये किसके प्रोपोर्शनल आएगी, आई टू के। भाई करंट किसका है, आई टू का है, फ्लक्स किसकी, वन की है। यहां पर करंट किसका है, फर्स्ट कॉइल का है आई वन, और फ्लक्स कौन सी, सेकेंड वाली है, तो फाइव टू वन प्रोपोर्शनल टू आई वन। अब यहां से अगर मैं इसको खोल के लिखता हूं, याद करो यार पिछली बारी सेल्फ इंडक्शन में हमने लिखा था फाइ प्रोपोर्शनल टू आई, और प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाया था तो आया था एल, क्या नाम रखा था उसका, कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। भाई यहां पे सेल्फ इंडक्शन नहीं, यहां पे म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है, तो इसलिए यहां क्या लिखेंगे, आएगा यहां पर फिर से कोई ना कोई कॉन्स्टेंट, हटाओ जरा इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, तो फाइव टू वन इक्वल टू यहां बेटा जी एम आएगा, एम क्या आ जाएगा, एम आएगा। अब एम क्या है यहां पर, कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, एम इज कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आप इसको बुक्स में देखो तो फाई इक्वल टू एम आई लिखा होगा। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि भाई एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन, तो इसमें फ्लक्स अगर फर्स्ट कॉइल की है तो करंट सेकेंड कॉइल का, फ्लक्स अगर सेकेंड कॉइल की बात चल रही है तो करंट फर्स्ट कॉइल का। ओके जी, अगर ऐसे नाम के साथ लिख दिया फिर तो क्लियर ही है, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंड, करंट किसका, फर्स्ट का, फ्लक्स लिंक्ड विद फर्स्ट तो करंट किसका, सेकेंड वाली कॉइल का चलना चाहिए। जनरल लिख दो तो फाइ इज इक्वल टू, चलो एम आई लिख दिया, लेकिन यहां पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बच्चे को होनी चाहिए कि फ्लक्स किसकी, सेकेंड वाले की, करंट किसका, फर्स्ट वाले का, अगर फ्लक्स किसकी, फर्स्ट वाले की, तो करंट किसका, सेकेंड वाले का, तो फाइ इज इक्वल टू एम आई, याद रखना है जी आपने। ओके, चाहे इस फॉर्म में रख लो चाहे इस फॉर्म में रख लो, फाइ इज इक्वल टू एम इन टू आई। ओके, यहां पे m क्या है यार, तुम्हारा कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, m इज कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। भाई m क्या है, इसको कहते हैं कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन मेरे भाई, कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, phi इक्वल टू mi आ गया, यहां से m इक्वल टू फाइव बाय आई आ गया। यूनिट इसकी फिर वही बात, वेबर पर एम्पियर हो सकती है, लेकिन इसको हम वेबर पर एम्पियर की बजाय किससे डिनोट करते हैं, हेनरी से। यार एल जो था ना, एल सेल्फ इंडक्शन, वो भी फाइव बाय आई आया था, ये भी फाइव बाय आई आ गया, तो यूनिट तो दोनों की क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, दोनों की यूनिट सेम है, कंसेप्ट सेम है, बस सिचुएशन क्या है अलग अलग है, वहां सेल्फ का कंसेप्ट है इसलिए सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, यहां दो का कंसेप्ट है इसलिए इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो फाइ इज इक्वल टू एम आई, एम की यूनिट हो गई, किससे डिनोट करते हैं इसको, हेनरी से डिनोट करते हैं, बाकी कुछ नहीं यार, न्यूमेरिकल इस पे छोटे मोटे आएंगे आएंगे। अगर हमने फाइंड करना हो कि एक के कारण दूसरे में कितनी ईएमएफ जनरेट होगी, तो आपको पता ही है ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी, यानी कि ई एम एफ जनरेट होगी माइनस डी डी टी ऑफ फाई की जगह बेटा एम आई, यहां से चेक कर सकते हो, ई इज इक्वल टू एम बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा डी आई बाय डी टी, माइनस साइन लगाए रखो, कई बार न्यूमेरिकल्स में इसे इग्नोर कर देते हैं, कई बार रखते हैं। तो ई एम एफ जनरेटेड इन कॉइल सेकेंड ड्यू टू कॉइल फर्स्ट इज इक्वल टू एम इन टू डी आई बाय डी टी, बात फिर वही है, फार्मूला याद कर लिया, E इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, लेकिन इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। व्हाट इज E? इट इज ईएमएफ जनरेटेड इन कॉइल टू। तो करंट में वेरिएशन किसकी हो रही है, कॉइल वन के। अगर ये क्या है, ईएमएफ जनरेटेड इन कॉइल वन, तो ये जो करंट की वेरिएशन है डी आई बाई डी टी, अगर ईएमएफ वन की है तो वेरिएशन इन करंट सेकेंड कॉइल की है।
अगर ईएमएफ सेकेंड कॉयल की बात जनरेट हुई है, सेकेंड कॉयल की बात कर रहे हो, तो वेरिएशन इन करंट फर्स्ट कॉयल के, याद रखना है, ई इज इक्वल टू एम इंटू डी आई डिवाइडेड बाय डी टी। कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है, बाकी न्यूमेरिकल इस पे आते रहते हैं भाई, न्यूमेरिकल्स इस पूरे टॉपिक पर छोटे छोटे से आते रहते हैं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी वो न्यूमेरिकल निकल ही जाएंगे। तो ये था यार कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसमें छोटी सी बात आई, एक E इक्वल टू एम इंटू डी आई बाय डी टी आ गया। अब एक और बात कि यार म्यूचुअल इंडक्शन अच्छे से होगी कि नहीं होगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है? कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि म्यूचुअल इंडक्शन अच्छे से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो दो कॉइल्स हैं उनको रखा कैसे हुआ है। कुछ ऐसे रखा हुआ होना चाहिए कि फर्स्ट की फ्लक्स सेकंड तक बहुत बढ़िया तरीके से पहुंच जाए। अब अगर इन दोनों कॉइल्स को दूर दूर ही रख दिया, इतना बहुत ज्यादा दूर दूर रख दो, तो यार फर्स्ट की फ्लक्स सेकंड तक पहुंचेगी नहीं। जब फ्लक्स ही नहीं पहुंच रही, तो फर्स्ट के करंट में जब आप वेरिएशन क्रिएट करोगे, तो सेकंड में फर्स्ट की फ्लक्स ही नहीं प्रॉपर पहुंच रही थी, तो वेरिएशंस का भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रॉपरली रखना चाहिए दोनों कॉइल्स को, जितनी ज़्यादा दूर रखोगे उतना ही म्यूचुअल इंडक्शन कम होगा, जितने पास रखोगे उतना ही म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा होगा। जैसे कि रखने का भी तरीका होता है, उसको कहते हैं कपलिंग। अगर प्रॉपरली रखा हुआ है ना, तो वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं कि दोनों कॉइल्स की कपलिंग बहुत बढ़िया हुई हुई है, और अगर प्रॉपरली नहीं रखा हुआ तो कहते हैं कि यार अच्छी तरह से इनकी कपलिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो मतलब द कपलिंग ऑफ द कॉइल्स वर्ड जो यूज होता है ना, द कपलिंग ऑफ द कॉइल्स शुड बी प्रॉपर। प्रॉपर कपलिंग करोगे तभी म्यूचुअल इंडक्शन यार बढ़िया होगा। जैसे मान लो अगर हमने एक कॉइल को, ये कॉइल है पहले वाली और ये कॉइल है दूसरे वाली, ऐसे रख दिए, या ये एक कॉइल है इसके सामने एक ऐसे रख दी, दूसरी वाली ऐसे रख दी, या ये कॉइल है इसके साथ एक ऐसे रख दी, या फिर ये कॉइल है और जो दूसरे वाली है वो ऐसे लपेट दी इसके ऊपर। ठीक है जी, लपेट सकते हैं, क्योंकि बेटा ये जो कॉइल्स होती है ना, ये इंसुलेटेड होती हैं। पहले भी अपनी बात हुई है कि जो पूरी वायर होती है जिसकी कॉइल बनाते हैं, इट इज इंसुलेटेड कॉइल। इसके ऊपर पतली सी एक इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग की होती है। मैंने पिछली बार जब सोलेनोइड वगैरह पढ़ा रहे थे तब भी बताया था कि जो मोटर्स वगैरह होती है ना, मोटर्स, उनकी जो वाइंडिंग होती है, अगर किसी ने मोटर, पंखे की मोटर, कोई छोटी मोटर, बड़ी मोटर को खोल कर देखा हो या खुला हो देखा, तो आपने देखा होगा उसमें ब्राउन से कलर की ना कॉयल से वाइंडिंग की होती है, मोटी सी तार एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई ब्राउन से कलर की दिखती है। यार वो इंसुलेटेड वायर होती है, वो जो ब्राउन सा कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, वो एक्चुअली उसके ऊपर जो कोटिंग की हुई है ना उसका कलर है। अगर आपको प्रॉपर कनेक्शन देना है तो उसको साइड से छील कर फिर उसके अंदर से वायर निकलेगी कॉपर की, ऊपर जो है कोटिंग की होती है किसी मटेरियल की, वार्निश की कोटिंग होती है जिससे कि इंसुलेशन मिल जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर हमने एक दूसरे के ऊपर लपेट दी ना, तो ये मत समझो कि एक का करंट दूसरे में चल जाएगा, नहीं जाएगा भाई। ये पहली वाली जो ब्लैक कलर से मैंने शो की है, ये अपने आप में फर्स्ट कॉइल है, इंसुलेटेड कॉइल है, और ये दूसरी वाली भी क्या है, ये अपने आप में इंसुलेटेड कॉइल है। करंट एक दूसरे का एक दूसरे में नहीं घुस पाएगा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स जरूर घुस पाएगी। तो अगर हम इन चार केसेस में देखें, इनमें से ये वर्स्ट सिचुएशन है। वर्स्ट सिचुएशन मतलब यार फर्स्ट की फ्लक्स दूसरे में से
जा ही नहीं पाएगी, बहुत बस लगा लो ना के बराबर इसकी फील्ड लाइन इसको मिलेंगी या इसकी फील्ड लाइन इसको मिल जाएंगी। तो ये वर्स्ट कपलिंग है, इसमें कोई म्यूचुअल इंडक्शन को ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी फील्ड लाइंस अब ऐसे चलनी है। तो उसमें से कोई बहुत ज्यादा, हमने ये नहीं बोला कि जीरो फ्लक्स हो जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन हमने बोला वर्स्ट है, इन चार में सबसे वर्स्ट सिचुएशन ये है। और सबसे बेस्ट सिचुएशन ये है, इसमें पहले की फ्लक्स दूसरे तक लगभग सारी ही पहुंच जाएगी, मतलब देयर विल बी मिनिमम लीकेज ऑफ फ्लक्स। ये भी सही है, हमने पहले यही बनाया था, यहीं से शुरुआत की थी, लेकिन इसमें मिनिमम लीकेज ऑफ फ्लक्स है, एक की फ्लक्स दूसरे तक लगभग सारी पहुंच जाएगी, दूसरे की पहले को, पहले की दूसरी को मिलेगी। दिस इज बेस्ट कपलिंग। इस वक्त जो चार सिचुएशंस हैं इनमें से ये बेस्ट कपलिंग है, सबसे बढ़िया तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन इसमें होने वाली है। ये वर्स्ट कपलिंग है, सबसे घटिया तरीके से इससे म्यूचुअल इंडक्शन होने वाली है। तो अभी तक कुछ नहीं, थ्योरेटिकल सा कंसेप्ट चल रहा है अभी तक, कि हमने म्यूचुअल इंडक्शन के कंसेप्ट सीखा, न्यूमेरिकल इस पे मैंने बोला आ सकते हैं, एक वही फार्मूला आकर चल रहा है, फाई इक्वल टू एम आई, एक ये याद रखना है, फाइव फ्लक्स होगी, एम म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, आई करंट हो गया, फाइव फर्स्ट की फ्लक्स है और आई सेकेंड का करंट है, क्योंकि फर्स्ट की फ्लक्स सेकेंड के कारण है, और अगर फाइव सेकेंड की फ्लक्स है आई फर्स्ट का करंट है, अगर फाइव फर्स्ट की फ्लक्स है तो आई सेकेंड का करंट है, बस फाइव इक्वल टू एल आई और फाइव इक्वल टू एम आई में ये फर्क है यार, फाइव इज इक्वल टू एम आई और फाइव इज इक्वल टू एल आई में यही फर्क है। फाइव इक्वल टू एल आई में करंट भी अपना, फ्लक्स भी अपनी। फाइव इक्वल टू एम आई में भैया फ्लक्स अपनी, लेकिन करंट पर आया, करंट पड़ोसियों का, पड़ोसियों के करंट में वेरिएशन होने के कारण अगर आप में कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो उसमें बस ध्यान रखना, फार्मूले दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन कौन सा करंट किस, करंट किसका, फ्लक्स किसकी, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी यार इसमें एक ये फार्मूला आया, E इज इक्वल टू एम इन टू डी आई बाय डी टी, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स वो आएंगे, करने पड़ेंगे, छोटे मोटे से छुटपुट टाइप न्यूमेरिकल्स हैं, आ जाते हैं यार, छुटपुट से न्यूमेरिकल हैं वो, एग्जाम वगैरह में आ जाते हैं। अब इस पे बेस्ड एक बड़ी सी बात करते हैं, लास्ट टाइम हमने निकाला था सेल्फ इंडक्शन पढ़ते पढ़ते कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनोइड, सोलेनोइड से निकाल के जनरलाइज किया था, यहां हम कैलकुलेट करेंगे कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड। भाई म्यूचुअल बोला तो दो की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड्स, हेडिंग डाल लो कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड्स, ये एज ए आर्टिकल एज ए डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ सकता है। बाकी उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल तो फिर आएंगे ही आएंगे। तो आपकी अगली हेडिंग है कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड्स। हाँ जी बेटा, तो हेडिंग आपने डाल ली, हमने भी डाल दी कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड्स। यार आर्टिकल है ये, एज ए आर्टिकल चलेगा अपना टॉपिक। लिख लो सबसे पहली बात कि लेट अस कंसीडर टू लॉन्ग सोलेनोइड्स एज शोन इन फिगर। ठीक है जी, दो सोलेनोइड्स हो गए एज शोन इन फिगर, ये पहला वाला, ठीक है जी, और ये दूसरे वाला, ठीक है, कपलिंग बढ़िया रहे, हमने दोनों सोलेनोइड्स को एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से वाइंड किया। मैंने बताया था ये जो वाइंडिंग होती है इंसुलेटेड कॉयल होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट एक दूसरे में नहीं घुसेगा मेरे भाई। तो ये दो सोलेनोइड्स हैं, पहले वाला जो सोलेनोइड है वो S1 मान लेते हैं, दूसरे वाला जो सोलेनोइड है S2 मान लेते हैं।
दोनों में वर्ड क्या यूज किया है, लॉन्ग सोलेनोइड। लॉन्ग मतलब इसकी लेंथ काफी ज्यादा है, लेंथ काफी ज्यादा का मतलब इसके अंदर का बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है, फिर हम वो म्यू नॉट एन आई वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। याद करो कि जो म्यू नॉट एन आई रिजल्ट आता था सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का, वो तभी आता है जब उसको क्या मान लें हम, वेरी लॉन्ग मान लें। तो इसलिए हमने यहां पे लॉन्ग सोलेनोइड यानी आइडियल सोलेनोइड है, ये दोनों लॉन्ग वर्ड भी यूज कर दिया। तो ये कॉइल S1, ये कॉइल S2 यानी सोलेनोइड S1 S2, पहले के थ्रू करंट मान लेते हैं I1, दूसरे के थ्रू करंट मान लेते हैं I2। ओके जी, तो फर्स्ट का करंट I1, सेकंड का करंट I2। स्मॉल से डिनोट करते हैं यार, I हम हमेशा स्मॉल ही लेते रहे हैं, तो अब भी स्मॉल ही लेते हैं I। I1 ये हो गया, I2 इसके बारे में जो भी लिखना है वो यहां पे पहली साइड पे लिख लेते हैं। हमने लिखा S1 S2 दो सोलेनोइड वो तो है ही है बेटा, I1 एंड I2 क्या हुए, करंट इन S1 एंड S2, लिख लेना I1 I2 क्या हो गया, करंट इन S1 एंड S2। L1 एंड L2 क्या हो गई, दोनों की लेंथ। N1 एंड N2 क्या हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स। बेटा N1 एंड N2 क्या हो गई, उसके थ्रू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन हमें और किसकी जरूरत पड़ेगी, स्मॉल N1 एंड स्मॉल N2 की, स्मॉल N1 एंड स्मॉल N2 क्या हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके जी, और किसकी जरूरत पड़ेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। अब A1 एंड A2 क्या हुए, सोलेनोइड्स के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, क्योंकि फ्लक्स निकालनी होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A1 एंड A2। ओके, अब यहां पे ध्यान देना बेटा, हमने A1 ग्रेटर देन A2 रखा है। A1 यानी पहला जो सोलेनोइड है वो बड़ा है, जो दूसरा है उसका साइज छोटा है, एंड A1 इज ग्रेटर देन A2, बड़े वाले का एरिया हमने थोड़ा ज्यादा लिया, बाकी कुछ नहीं है, धीरे धीरे करोगे अपने आप ही कैलकुलेट हो जाना ही है। तो ये सिचुएशन है, दो सोलेनोइड है उनके बारे में सब कुछ लिख दिया हमने। सबसे पहले मैंने लिखा कि लेट फाइव वन टू, क्या हुई फाइव वन टू, इट इज फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल वन ड्यू टू करंट ऑफ कॉइल टू। भाई म्यूचुअल इंडक्शन है, याद रखना, बस इसकी जो टर्मिनोलॉजी है ना भाई उसी का ध्यान रखना है, बाकी तो कुछ नहीं है, अपने आप हो जाना है। तो 512 क्या हुई यार, इट इज, लिख देता हूं एक बार, फ्लक्स लिंक्ड विद S1 ड्यू टू S2, ड्यू टू S2 का मतलब करंट किसका रहेगा, S2 का रहेगा। ओके जी, 512 फ्लक्स लिंक्ड विद S1 ड्यू टू S2 यानी करंट ऑफ S2। तो मैं यहां पर phi इक्वल टू एम आई के हिसाब से, ये फ्लक्स लिंक्ड विद वन ड्यू टू सेकेंड है, मतलब करंट किसका, सेकेंड का है। तो यहां पे M की जगह भी मैं क्या लिख दूंगा, M12 लिख दूंगा, M की जगह मैंने क्या लिख दिया, M12 लिख दिया। ओके, M का भी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन ड्यू टू सेकेंड M12 करके लिख दिया, करते चले जाओ, फाइव इज इक्वल टू एम आई, चलो इक्वेशन वन लिख देता हूं इसको। अब अगली बार सुनना, आल्सो फ्लक्स इज इक्वल टू एम बी ए कॉस ऑफ थीटा होता है। फ्लक्स का फार्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा, साथ में क्या लग गया, एन भी लग गया, नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन होंगी तो एन इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा हो गया। अब ध्यान से सुनना, फ्लक्स किसकी है, कॉयल वन की है, किसके कारण है, कॉयल टू के कारण है। तो यार फील्ड किसका है, टू का हुआ ना, फ्लक्स फर्स्ट की है, किसके कारण है, सेकंड के करंट के कारण है।
अब सेकंड के करंट से ही सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तभी फ्लक्स आ रही है ना, तो ध्यान से सुनना, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल वन है, करंट किसका है, सेकंड का है, इसलिए फील्ड किसका है, सेकंड का है। बाकी नंबर ऑफ टर्न्स इसकी खुद की होंगी, करंट सॉरी एरिया इसका खुद का होगा क्योंकि फ्लक्स फर्स्ट की है, तो नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट की यूज होंगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन खुद का यूज होगा इसका, बट किसके कारण है, सेकेंड वाले के कारण है ना, है ये सेकेंड वाले के कारण, तो फील्ड सेकेंड का आएगा, ध्यान से सुनना, फील्ड सेकेंड का आएगा। अब अगली बात कि यहां पर जो थीटा है वो तो रहेगा जीरो डिग्री, क्यों भाई, ये कॉयल है, तुम्हें पता है सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ चलता है, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ चलता है, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ चल रहे हैं, इसका जो नॉर्मल आएगा, देखो कॉयल है ना ये ऐसे पड़ी हुई है, इसका जो नॉर्मल आएगा वो भी अलोंग द लेंथ ही जाएगा, फिर भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो नॉर्मल है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ऐसे रहेगा, उसका नॉर्मल भी इधर आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को चल रहे हैं, थीटा क्या लेना है भाई, जीरो ले लेना है, तो थीटा जीरो होने से कॉस जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, ओके ये वन हो जाएगा। अगले स्टेप में फाइव वन टू को मैंने लिख दिया, एन वन है, बी सेकेंड का है, इसकी जगह म्यू नॉट एन आई आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या फार्मूला यूज होगा, म्यू नॉट एन आई मुन्नी, याद है तुम्हें, अब यहां पे म्यू नॉट आ गया, एन किसकी भाई, सेकंड की, बी टू है ना, सेकंड का फील्ड है तो इसलिए एन टू लगेगा, करंट किसका भाई, सेकंड का, तो एन टू आई टू लगेगा यहां पर, ओके यहां पे आ गया ए वन, कॉस जीरो हो गया वन, ओके जी। अब एक और पॉइंट सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ये भी सही है, सब सही है, अब ए वन जो है ना, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना पड़ेगा बेटा, फील्ड किसका है, सेकेंड के कारण है, फील्ड किसके कारण है, सेकेंड कॉयल के कारण है, ध्यान देना, सेकेंड कॉयल जो है वो फर्स्ट कॉयल से एरिया में छोटी है, सेकेंड कॉयल फर्स्ट कॉयल से एरिया में छोटी है, आप देखो ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, सेकेंड कॉयल एरिया में छोटी है। अब फील्ड सेकेंड का है ना भाई, सेकेंड का जो फील्ड है वो है ही इतने पोर्शन में, सेकेंड का जो फील्ड है, अब सेकेंड तो कॉयल ही छोटी है, वो है ही इतने पोर्शन में, यानी बाहर का जो रीजन है वहां पे तो फील्ड लाइंस है ही नहीं, खाली है ना, तो यहां पर एरिया ए वन था लेकिन ए वन ए टू से बड़ा था, फ्लक्स सिर्फ उतने एरिया में फैली हुई है जितना ए टू है, क्योंकि सेकेंड कॉइल तो छोटी है, इसलिए हमें यहां पर, क्योंकि ए वन बड़ा है ना, आप इतना हिसाब लगा लो, याद रख लो, एरिया छोटे वाले का ही लगना है, चाहे फर्स्ट की फ्लक्स निकालो चाहे सेकेंड की फ्लक्स निकालो, एरिया जो भी छोटा होगा ना उसका लगेगा। तो यहां पर ए वन आ गया, लेकिन अगले स्टेप में हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ए टू करना ही पड़ेगा, फाइव वन टू इक्वल टू ये एन वन है, ये क्या है म्यू नॉट है, इसकी जगह मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिख देता हूं, इसकी जगह तो यहां पे क्या लिख दिया, एन टू डिवाइडेड बाय एल टू आ जाएगा, ठीक है जी, n2 टू डिवाइडेड बाई एल आ जाएगा, यहां पे एरिया की जगह क्या आएगा, a2 आ जाएगा, ओके okay? और यहां पे क्या आ जाएगा, i2 आ जाएगा, बात को समझना, 512 इक्वल टू एन वन, एक यहां पर जब आप a1 से इस स्टेप में, जब तुमने इससे अगले स्टेप में जब तुमने यार a1 से a2 इंट्रोड्यूस किया है ना, तो ये जो मैंने तुम्हें कहानी बताई है वो थोड़ी सी लिख देना, थोड़ी सी क्या लिख देना, ये स्टोरी लिख देना कि हमने A1 को A2 क्यों किया, बिकॉज
जो फ्लक्स है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली इन ए टू, और ए टू क्या है, लेस देन ए वन है, इसलिए हमें ए वन की जगह ए टू कर देना चाहिए। तो यहां तक उम्मीद है क्लियर होगा, कोई बड़ी बात इसमें है ही नहीं है। तो 512 इक्वल टू ये आ गया, थोड़ा सा इसको यार रीअरेंज सा कर लिख लो, ये वाली लाइन में मिटा रहा हूं भाई, ये तुमने लिख ली होगी लास्ट वाली, ए वन से ए टू क्यों किया, बिकॉज फ्लक्स इतने लिख लो शॉर्ट में भाई, बहुत होता है, ये लिख ली होगी जी, इसको हमने मिटा दिया। ओके, ये मिट गया। अब ये 512 है, एक बार जरा इसको मैं 512 को म्यू नॉट एन वन एन टू बाय एल टू इंटू ए टू इंटू आई टू लिख देता हूं, और इसको सेकेंड इक्वेशन लिख देता हूं, और उसके बाद कुछ नहीं, तुम्हें पता ही है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करना है, ये 512 है ये भी 512 है, ये I2 है ये भी I2 है, यानी इसके एंड में I2 स्टार्टिंग में 512, तो जो बच गया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो M को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये क्वांटिटी अगर तुम कंपेयर कर लो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, M12 को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ये क्या आ गया तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आ गया। अगली एक लाइन लिख लो कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 आ गया, N2 आ गया, नीचे L2 आ गया, और साथ में क्या आ गया A2 आ गया। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर M12 बेटा। अच्छा, L जो है वो हमें दोनों की सेम ही माननी पड़ेगी, क्योंकि हमने इसको आइडियल सोलेनोइड माना है, लॉन्ग सोलेनोइड माना है, तो लेंथ दोनों की सेम ही माननी चाहिए। L1 इक्वल टू L2 मानकर चलेंगे बेटा, ठीक है जी। आइडियल सोलेनोइड लिया है, इन्फिनिट लेंथ होती है वैसे, लेकिन अब लिखनी तो पड़ेगी ही, दोनों की लेंथ सेम मान के चलेंगे, दोनों को आइडियल सोलेनोइड, क्योंकि जब हम म्यू नॉट एन यूज कर रहे हैं ना दोनों के एक्सप्रेशन, तो आइडियल मान के चल रहे हैं, तो L1 इक्वल टू L2 मान रहे हैं, तो ये L2 की जगह अगले स्टेप में क्या लिख देता हूं, L ही लिख देता हूं बेटा जी। तो ये बन गया M12 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 नीचे L, ये हो जाएगा A2। तो ये एक्सप्रेशन है भाई किसकी, म्यूचुअल इंडक्शन की। अब दूसरी तरफ से भी निकाल देते हैं, ये हमने किधर से निकाला था, फ्लक्स लिंक्ड विद 1 ड्यू टू 2 था ना, अब इसी को दूसरे साइड से भी निकाल देते हैं, फ्लक्स लिंक्ड विद 2 ड्यू टू 1 कर फ्लक्स लिंक्ड विद 2 ड्यू टू 1 कर भी निकाल लेते हैं, जल्दी से लिख लो, खत्म करें इसको, कि लेट 521, जल्दी से लिख लो भाई, कि लेट 521, 521 क्या है यार, फ्लक्स लिंक्ड विद S2 ड्यू टू S1, जल्दी जल्दी जल्दी, लेट 521, अगली बात हमने कर दी 521, तो ये 521 है, क्या चीज है बेटा 521, इट इज फ्लक्स लिंक्ड विथ S2 ड्यू टू S1, इट इज फ्लक्स लिंक्ड विथ S2 ड्यू टू S1, तो इस हिसाब से जो 521 है वो MI होना चाहिए। भैया किसकी फ्लक्स है, सेकेंड की, करंट किसका है, फर्स्ट का, तो यहां 1 आ जाएगा और यहां 21 आ जाएगा, ये इक्वेशन 3 लगा लेते हैं, क्योंकि 1 और 2 हो गई, इसको लगा लिया 3, ऑल्सो आगे हमने लिख दिया ऑल्सो 5 इज इक्वल टू NBA cos थीटा होता है, फ्लक्स किसकी भैया सेकेंड की, किसके कारण फर्स्ट के कारण, फ्लक्स किसकी भैया सेकेंड की, किसके कारण फर्स्ट के कारण, तो फील्ड किसका फर्स्ट का, फील्ड किसका भाई फर्स्ट का लगेगा, फील्ड फर्स्ट का,
और नंबर ऑफ टर्न सेकंड की, क्योंकि सेकंड की फ्लक्स है, बाकी तुम्हें पता ही है, बाकी तुम लोग बहुत समझदारी हो। थीटा यहां पे फिर वही बात, जीरो डिग्री करना है, थीटा जीरो डिग्री करने से कॉस जीरो वन हो जाएगा, यहां पे फाइव टू वन इक्वल टू ये हो गया एन टू, भाई इसकी जगह क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। नंबर ऑफ टर्न्स किसकी, फर्स्ट की, करंट भी किसका, फर्स्ट का, एरिया किसका, सेकंड का, ए टू आएगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा। ओके, अब यहां से क्या हुआ, फाइव टू वन इक्वल टू म्यू नॉट, इसको मैंने लिखा एन वन बाय एल वन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ना भाई, तो एन वन बाय एल वन ये म्यू नॉट ये रहा, ये एन वन बाय एल वन ये रहा, ये एन टू ये रहा, और ये ए टू ये रहा, और ये आई वन ये रहा। ध्यान देना, अब यहां बेटा ए टू है तो ए टू ही रहेगा, क्योंकि ए टू खुद छोटा ही है, फील्ड किसका है, फर्स्ट का है, वो फील्ड पूरा है, पूरा पूरी कॉइल में फैला हुआ है, लेकिन यार जिसके थ्रू चाहिए वो तो छोटा है ना, तो ए टू ही रहेगा, मैंने पहले भी बोला था, ध्यान रखना है, चाहे फर्स्ट से सेकंड की फ्लक्स निकाल रहे हो, चाहे सेकंड से फर्स्ट की फ्लक्स निकाल रहे हो, एरिया किसका यूज होना है, छोटे वाले का, ठीक है, एरिया किसका यूज होगा, छोटे वाले का ही यूज होगा मेरे भाई। तो फाइव टू वन इक्वल टू ये आ गया, बाकी कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, हो ही गया सॉल्व, क्या करना अब, ये हो ही गया, इसी को लगा लो इक्वेशन नंबर फोर लगा लो, और आगे लिख लो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर, थ्री और फोर को कंपेयर किया, ये फाइव टू वन है, फाइव टू वन है, आई वन है, आई वन है, जो बच गया ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम टू वन को, तो लिख लो कि बाय कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ क्या निकला, एम टू वन इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट एन वन एन टू के नीचे एल वन आ गया, साथ में क्या आ गया ए टू आ गया। ओके जी, तो लेंथ जो है वो वैसी मैंने बोल रखा है सेम है, क्योंकि इन्फिनेट लेंथ ले रखी है भाई, लॉन्ग सोलनॉइड है, दोनों की लेंथ सेम ही मानकर चल रहे हैं हम। यहां से एम टू वन इक्वल टू क्या आ गया जी, म्यू नॉट एन वन एन टू के नीचे एल कर रहा हूं इसको, यहां से क्या आ जाएगा ए टू आ जाएगा, दोनों रिजल्ट आ गए, आप देख सकते हो दोनों रिजल्ट सेम है मेरे भाई, चेक करो ध्यान से, तो बोथ रिजल्ट्स आर सेम, तो रिजल्ट्स दोनों के आ गए बिल्कुल सेम ही आ गए, यानी अगर लेंथ जो है सेम रखते हो, सोलनॉइड्स की लेंथ बेटा अगर क्या रखते हो सेम रखते हो, एरिया अलग अलग हो तो एरिया तो फिर भी छोटे वाले का ही आना है, ठीक है, एरिया अलग अलग हो तो आना किसका है, वो छोटे वाले का ही आना होता है, छोटा ए टू था इसलिए ए टू ही दोनों के केस में आ गया। तो जल्दी से कंक्लूड कर दो यार कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनाइड्स क्या आ गया, चाहे फर्स्ट का सेकेंड के थ्रू निकाल लो, चाहे सेकेंड का फर्स्ट के थ्रू निकाल लो, लेंथ सेम मान ली तो वो सेम ही आएगा, उम्मीद है कि समझ में तो लग ही गया होगा, थोड़ा रुक रुक के देख लिया करो, झुक झुक के देख लिया करो, लेकिन कंप्लीट कर लो, ठीक है जी, एम वन टू एम टू वन म्यू नॉट एन वन एन टू के नीचे एल टू इन टू ए टू, सॉरी एल ही लिख रहे हैं। ओके जी, तो ये हो गया यार आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स, बकायदा भैया सिलेबस में लिख रखा है, तो ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आ जानी है इस पे बेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, इस पे बेस्ड डेरिवेशन आ जानी है, या कह लो ये पूरा आर्टिकल आ जाना है। अब ये कई बार ये बोर्ड के हिसाब से ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन कई बार ना आर्टिकल चेंज होके भी आ जाता है, वो कैसे चेंज होके आ सकता है वो भी आपको अगले पार्ट में बताता हूं, पहले इसको बढ़िया से क्या कर लो, नोट कर लो जी। तो बेटा यार हमने
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड्स कैलकुलेट कर लिया। अब देखो सिलेबस में ना म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड्स करके लिख रखा है, एज इट इज भी आर्टिकल आ जाता है, आ जाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या करते हैं यार सीबीएसई वाले ना, वो एनसीईआरटी बुक को ज्यादा फॉलो करने लग जाते हैं। एनसीईआरटी बुक में ना सिचुएशन को तोड़ मरोड़ के भी दिया होता है, तो कई बार सेम कंसेप्ट सेम क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन में कैसे आया हुआ है, वो कहता है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कोएक्सियल कॉइल्स ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू। अब भाई पंगा पड़ जाता है फिर, अगर तो सोलेनोइड्स किया हो तो ये रिजल्ट आएगा जो अभी अपना आया था, लेकिन अगर वो कहता है कि टू कोएक्सियल कॉइल्स हैं, देखो म्यूचुअल इंडक्टर्स तो उसका भी आएगा आएगा, टू कोएक्सियल कॉइल्स कह दे, सेम चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पार्ट ही है उसका मान लो, आर्टिकल तो खैर मैंने खत्म कर दिया लेकिन ये उसी का पार्ट है मान लो, क्योंकि क्वेश्चन यार चेंज होकर आ जाता है, ध्यान से सुनना। अब वो कहता है कि तुम्हारे पास दो कोएक्सियल कॉइल्स हैं, मतलब उसने आर्टिकल ही चेंज कर दिया, कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड करो ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड की बजाय क्या वर्ड यूज कर देता है, कोएक्सियल कॉइल्स, कोएक्सियल कॉइल्स। मैं आपको यह सिखा देता हूं, फिर चाहे वो कोएक्सियल कॉइल का पूछ ले, चाहे सर्कुलर कॉइल्स हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, ट्रेंगुलर हो, जो मर्जी हो, एक बार आ गया तो किसी का भी निकाल लोगे। जो सोलेनोइड वाला निकालते वक्त सीखा ना बेटा, बेसिक कंसेप्ट वही लगाना है, बस रिजल्ट अलग आ जाएंगे। मान लो ये दो क्या है, कॉइल्स हैं यार, ठीक है, ये कॉइल फिर वही बात C1 है और ये वाली कॉइल कौन सी है, C2 है, एक C1 हो गई एक C2 हो गई। हमने सेंटर सेंटर वाला रिजल्ट यूज करना है, तो आपको पता ही है क्या फाइंड करना है, आपने फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। पहले चलो इसके बारे में क्या कह दे रखा है, C1 एंड C2 दो कॉइल्स हैं, N1 एंड N2 इनकी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, R1 एंड R2 बड़ी वाली का रेडियस R1 है, छोटी वाली का R2 है, R1 R2 इनके क्या दे रखे हैं भाई, रेडियस दे रखे हैं, R1 R2 इनके क्या दे रखे हैं, रेडियस दे रखे हैं। ध्यान से सुनना, करना कुछ नहीं है, हम क्या फाइंड करेंगे, फ्लक्स लिंक्ड विद वन ड्यू टू सेकंड, फ्लक्स लिंक्ड विद वन ड्यू टू सेकंड। अब फर्स्ट की फ्लक्स है किसके कारण है, सेकंड के कारण है, तो क्या आएगा, एन बी ए कॉस थीटा। भैया फर्स्ट की फ्लक्स है, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल वन, सेकंड के कारण है, तो यहां पे बी टू आ जाएगा। एरिया इसका किसका लगेगा, अपना लगना था, लेकिन अपने लगने की बजाय A2 यूज करेंगे, यार छोटे वाले का एरिया यूज करना है, हमेशा एरिया कौन सा यूज करना है, स्मॉलर वाले का यूज करना है। तो फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल वन है, यहां पे वन ही आना था, लेकिन अगले स्टेप में हमने इसको क्या कर देना है, A2 ही कर देना है, कॉस जीरो वन हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। फाइव वन टू इक्वल टू यहां आ जाएगा एन वन, पंगा सिर्फ इसका है, अलग अलग शेप की कॉइल्स में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बेटा अलग अलग आना होता है। अगर वो सोलेनोइड था तो मैग्नेटिक फील्ड की बजाय सोलेनोइड का रिजल्ट पुट करेंगे, अगर यार ये सर्कुलर कॉइल है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल का लगेगा। याद करो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पोर्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है, दैट इज के आई बाय आर इंटू टू पाई। याद करो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल इज इक्वल टू के आई डिवाइडेड बाय आर इंटू टू पाई, इट इज के आई डिवाइडेड बाय आर इंटू टू पाई। बस यहां पे ये फील्ड यूज कर ले, यहां आ जाएगा के आई बाय आर इंटू टू पाई, किसकी बात चल रही है, दूसरे वाले की, तो आई टू आएगा, के तुम्हें पता ही है वही म्यू नोट बाय फोर पाई, वही टेनिस्पा माइनस सेवन टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यहां पर रेडियस किसका,
सेकेंड वाली का यूज होगा। ओके जी, तो रिजल्ट क्या बना, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 512 इक्वल टू, अच्छा इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी लगेंगी देखो, क्योंकि जो रिजल्ट है अगर सिंगल टर्न हो तो के आई बाई आर इंटू टू बाई एन टर्न्स के लिए एन लग जाता होता था, अब सेकेंड की बात हो रही है तो एन टू लग जाएगा। ये बन जाएगा के यानी म्यू नोट बाय फोर पाई एन वन एन टू, एन वन एन टू साथ में क्या है टू पाई है, नीचे क्या है आर टू है, यहां क्या आ जाएगा एरिया की जगह आप पाई आर टू का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ओके जी, यहां पे साथ में क्या लिख दोगे आई टू लिख दोगे, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। आल्सो 512 फर्स्ट की फ्लक्स है सेकंड के कारण है, फर्स्ट की फ्लक्स है सेकंड के कारण है, तो यहां पर एम आई आ जाएगा, एम की जगह एम वन टू आएगा, आई की जगह आई टू आ जाएगा, एम की जगह तो एम वन टू आएगा, आई की जगह आई टू आ जाएगा जी। ठीक है, फर्स्ट की फ्लक्स सेकंड के कारण, ये सेकंड हो गया, दोनों को आपस में क्या कर लो कंपेयर कर लो भाई, दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये क्या आ गई आपकी कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कोएक्सियल कॉइल्स, सर्कुलर कॉइल्स। ठीक है, कोएक्सियल कौन सी वाली कॉइल्स, सर्कुलर वाली है, तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, तो एम को अलग करके चलो लिख लो। अच्छा, दूसरी साइड से मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा, 512 आया वही क्या आएगा 521 आएगा। आपको सिखा दिया कि भाई बुक्स में तो सोलोनाइड का लिखा हुआ है, लेकिन वो सीबीएसई वाले एनसीईआरटी वाले कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं, वो सर्कुलर कॉयल बोल देंगे, सर्कुलर कॉयल करके कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, ये कई बार आया हुआ है सर्कुलर कॉयल बोल कर ये क्वेश्चन, तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, इस टाइप से भी हो सकता है। तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आ गया, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू क्या आ गया जी यहां पर के एन वन एन टू, नीचे आर टू है, इसको साथ में क्या लिख दिया टू पाई, साथ में क्या लिख दिया पाई इंटू आर टू का स्क्वायर, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा जी। ठीक है जी, अब एमसीक्यूज में ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बड़े इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि का म्यूचुअल इंडक्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है, किसके प्रोपोर्शनल है, तो वहां पर भी बेटा ये चीज आपको क्या आ सकती है, काम आ सकती है। ओके, कभी कभी वो और ज्यादा पंगा डाल देता है, वो कह देता है कि यार रेक्टेंगुलर कॉइल्स हैं, वो कह देता है ट्रेंगुलर कॉइल्स हैं, कोएक्सियल हैं, एक दूसरे के पास पड़ी हुई हैं, तो कैसे होगा, सब में ऐसे ही करना है बेटा, सब में रिजल्ट यही है। मान लो अगर उसने स्क्वायर कॉयल बोल दिया हो, बोलता है कई बार स्क्वायर शेप में, ठीक है, बड़े वाले का एरिया सॉरी साइड ए वन, इसकी क्या मान लेते हैं ए टू मान लेते हैं। अब करना तो यही है, ध्यान से सुनना, करना तो यही है, मैं पूरा करके नहीं दिखा रहा, ये आपने नोट कर लिया होगा। ओके, इसको नोट कर लो क्योंकि इसको मैं मिटाऊंगा। ठीक है जी, इसको मैंने मान लो मिटा दिया, ये मिट गया एक तो, ठीक है जी, दूसरा यहां से ये मिटा दिया मैंने, ध्यान से सुनो बस, ये मिटेगा तो ये वाला भी मिट जाएगा, चलो ये सारा मिटा देते हैं। अब अगर आपको कॉइल कैसे दे रखी हो रेक्टेंगुलर, और आपने इन दोनों का क्या निकालना है म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है, तो समझ रहे होगे, देख रहे होगे कहां पे फर्क आ रहा है, फ्लक्स लिंक्ड विद वन ड्यू टू सेकेंड, फ्लक्स लिंक्ड विद वन जिसमें से करंट चल रहा है आई वन, इसमें से करंट चल रहा है आई टू, फ्लक्स लिंक्ड विद वन ड्यू टू सेकेंड, ये हो गई, बाकी सब कुछ वही है, फ्लक्स विद वन ड्यू टू सेकेंड, ये इसके अपने खुद के फील्ड सेकेंड का। अब फर्क किसका पड़ेगा भाई, फील्ड का पड़ेगा, जब आप सोलेनाइड यूज करते थे
यहां पे फील्ड की वैल्यू किसकी पुट करते थे? सोलेनोइड की, म्यू नॉट एन आई। जब आप सर्कुलर कॉइल की बात कर रहे थे तो फील्ड किसका पुट किया? सर्कुलर कॉइल का, के आई बाय आर इंटू टू पाई। अब अगर स्क्वायर शेप्ड कॉइल है, स्क्वायर है भाई वो, तो स्क्वायर का नहीं याद आता तो निकाल लो, लेकिन आपको करवा रखा है, मैंने बोलता याद रखना। स्क्वायर शेप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आया था 8√2KI/A। ए साइड है स्क्वायर की, कर कराकर 8√2KI/A आया था। K वही μ0/4π यानी कि 10⁻⁷, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। अब बेटा जी फर्क किसका है? यहां पर ये वैल्यू पुट होगी 8√2 / A के इंटू आई, सेकेंड का फील्ड है तो सेकेंड का क्या आएगा? करंट आएगा। ओके जी, एरिया किसका रखना है? छोटे वाले का रखना है। पिछली बार वो सर्कुलर कॉइल थी तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर था, इस बार ये स्क्वायर है, स्क्वायर, तो एरिया की जगह आएगा ए का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। उम्मीद है पॉइंट आपको समझ में लग ही रहा होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो 512 = यहां आ जाएगा एन। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन हो तो वो लगाई देते होते हैं, ये बन जाएगा n1 n2, के भी बाहर आ जाएगा, 8√2 / A भी बाहर आ जाएगा। इसकी जगह साइड का स्क्वायर है, यहां पे ए स्क्वायर आ जाएगा, तो इसकी जगह ए स्क्वायर आ गया। 8√2 / A भी लिख दिया, एन वन एन टू भी लिख दिया, के भी लिख दिया, यहां पे आई टू आ जाएगा। भाई ये जो बचा ये क्या होगा तुम्हारा? कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर कोएक्सियल कॉइल्स। अब इसको वही बात है, रट नहीं सकते आप। मैंने कंसेप्ट बता दिया कि अगर मान लो आ ही जाता है तो कैसे कैलकुलेट करोगे। आज का जो मेन है, अभी तक एक छोटी सी बात और बता रहा हूं, आज का जो मेन है म्यूचुअल इंडक्शन की हेडिंग, म्यूचुअल इंडक्शन का पूरा कंसेप्ट। ओके जी, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स, वो तो एज ए आर्टिकल बढ़िया से कर लिया या करना है। ओके, उसको तो अच्छे से कर लिया या आपने करना ही करना है। उसके बाद बेटा ये जो सर्कुलर कॉइल वाला बताया वो एडिशनल चीज है, आ सकती है। मैंने बोला तोड़ मरोड़ के डालेगा तो वो भी डाल सकता है, पता होना चाहिए। उसके बाद स्क्वायर कॉइल कर दी, वो भी निकालना आना चाहिए। ये वाला पार्ट अब म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। मैं इसको एज ए रिजल्ट डब्बा डुब्बा बना के नहीं लिख रहा, आपको सिखा रहा हूं, आप डब्बा बना लेना इसका। 512 से निकालो, 521 से निकालो, वो सेम ही आएगा। एरिया बस क्या लेना, छोटे वाला लेना है। कई बार वो रेक्टेंगुलर दे देते हैं कि भाई ये दो रेक्टेंगुलर कॉइल्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे ऐसे इसकी हैं, इनका क्या निकाल? म्यूचुअल इंडक्शन। भैया दो कॉइल्स होंगी, सोलेनॉइड शेप में हो, सर्कुलर शेप में हो, रेक्टेंगुलर शेप में हो, स्क्वायर शेप में हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो फिर सबका ही निकलेगा। बस अब इसमें इसके सेंटर पर, जैसे स्क्वायर के सेंटर पर आपको यह याद आना चाहिए 8√2KI/A, ट्रायंगल के सेंटर पर, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये भी तुम्हें कराया हुआ है, ये आया था 18KI/A। याद करो जब बायोस्फेट लॉ करते हैं, और बायोस्फेट लॉ करने के बाद जब बायोस्फेट लॉ की बेटा एप्लीकेशंस कराई जा रही होती हैं, जब बायोस्फेट लॉ के बाद उसकी एप्लीकेशंस कराई जा रही होती हैं, तो वहां पर ये दो स्टैंडर्ड वैसे ही मैं करवाता हूं, आपको भी करवाए गए होंगे यार, रिजल्ट याद रख लोगे तो बहुत बढ़िया, यहां पे काम आ गए। अब यहां पर अगर ये वाला केस होता तो ऐसे ही चल रहे होते हैं, बस यहां पर जब B2 की वैल्यू पुट कर रहे होते तो क्या पुट कर रहे होते? 18KI2/A, ए साइड है। उसको सॉल्व करके ना, मेरी ये सलाह है, मैंने एज ए आर्टिकल सबको नहीं कराना होता, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी चीज छोड़नी है कौन सी चीज करनी है। एज ए आर्टिकल तो मैंने सोलेनॉइड वाले कराया, लेकिन सर्कुलर कॉयल जब आ जाए तो कैसे चेंज करना है वो आप खुद निकालकर, उसका रिजल्ट निकालकर उस पर बॉक्स लगा के रख लो कि सर्कुलर कॉयल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस ये होगा। अगर स्क्वायर कॉयल्स आ जाए उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा वो आप अपना, मैंने यहां तक करा दिया अपना, निकाल कर उसको बॉक्स लगा के रख लो। और अगर
ट्रायंगुलर कॉइल्स आ जाएंगी, स्क्वायर कॉइल का हो गया, सर्कुलर का हो गया, ट्रायंगुलर आ जाएंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, उसका क्या रिजल्ट आएगा वो भी ये वैल्यू पुट करके निकाल के रख लो। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना तो सिखा ही दिया, एक बार फाई इक्वल टू एम आई करना है और एक फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा करना है, उसके बाद दोनों को आपस में कंपेयर कर लेना है भाई। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट बेटा जी इस टॉपिक का, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक था, वो हमने कवरअप कर लिया। न्यूमेरिकल्स करते रहने हैं, न्यूमेरिकल्स मेन चीज है, पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल्स वाला है। ईएमआई हमने बेटा 5 लेक्चर्स में कंप्लीट किया, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी था, सेकंड से फिर कुछ कंसेप्ट आने शुरू हो गए, लेंस लॉ, न्यूमेरिकल वगैरह, तीसरा आपका मोशनल ईएमएफ था, चौथा जो लेक्चर है वो सेल्फ इंडक्शन, पांचवा फिर ओवरऑल म्यूचुअल इंडक्शन, 5 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। नॉर्मली लाइव क्लासेस में आते अगर इंस्टीट्यूट में क्लास लगाने तो ये 5 की बजाय 6 भी लग सकते हैं, 7 भी लग जाते हैं कई बारी, यहाँ पे 1.5-1.5 घंटे का, 1.25-1.25 घंटे का लेक्चर है, तो हमने 5 में इसको कवर अप कर दिया। बाकी अब इस पे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कुछ रह गए होंगे, वो कवर अप करो, जब तक इसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट नहीं होते बेटा हम नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करने वाले, चाहे 2 दिन लगातार लाइव क्लास लगानी पड़े, 3 दिन लगातार लगानी पड़े, लेकिन फर्स्ट यू कंप्लीट बेटा ईएमआई न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल जितनी भी असाइनमेंट है ईएमआई की उसको कंप्लीट करो, क्योंकि अगला चैप्टर फिर से न्यूमेरिकल वाला है यार। एसी, इसके बाद हमने क्या स्टार्ट करना है, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, ये पूरी यूनिट 2 पार्ट में है, ईएमआई एंड एसी। ईएमआई हमने कवर अप किया, एसी हमने स्टार्ट करना है, बट पहले क्या करो ईएमआई के न्यूमेरिकल्स वगैरह इस हफ्ते कवर अप कर लो, देन वी विल स्टार्ट अल्टरनेटिंग करंट। तो आज तक के लिए इतना ही है, फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।